श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका सी लैंग्वेज की नई वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम 3 डिजिट का एक नंबर लेंगे, जैसे कि 637 यानी कि 637, जिसको हम अगर ऐड करेंगे तो उसका आंसर 16 आएगा। जैसे कि 6 + 3 + 7 इजिकल्स टू उसका आंसर 16 आएगा। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाते हैं, कंसोल एप्लीकेशन को नेक्स्ट सी नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं हम 3 digit sum, ठीक है, नेक्स्ट फिनिश। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लेंगे जैसे कि सपोज करो हमने 3 digit लिए, 6, 3, 7, ठीक है, 1s पे है 7, 10s पे है 3 और 1000s पे है 6। तो अगर हम इसका सम करेंगे, यानी कि हम करेंगे 6 + 3 + 7, तो उसका आंसर आएगा 16। तो इस तरीके का हम ये वाले जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे int, हमने यहाँ पे लिया int num, उसके नीचे हम लेंगे int ones tens कॉन्स्टेंस 100, ठीक है, फिर इसको कर दिया बंद। इसके नीचे हम लिखेंगे प्रिंट एफ के अंदर हम लिखेंगे एंटर अ 3 digit नंबर, ठीक है, इसको कर देंगे बंद। इसके नीचे हम लिखेंगे स्कैन एफ परसेंटाइल डी, यहाँ पे लिखेंगे कॉमा लगा के एंड नम, ठीक है, इसको कर देंगे बंद। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वंस इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है नम परसेंट 10, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ऐसे ही हम टेंस पे लिखेंगे टेंस इज इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10 और उसका 10% लिखेंगे परसेंट और 10, इसको कर देंगे बंद। इसके नीचे हम लिखेंगे 100 के बराबर में लिखेंगे हम नम डिवाइड बाय 100, इसको कर देंगे बंद। और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ और यहाँ पे लिखेंगे द टोटल सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इन परसेंटाइल डी इज परसेंटाइल डी और / एन और यहाँ पे लगाएंगे कॉमा और उसके बाद हम लिखेंगे नम कॉमा वंस कॉमा टेंस कॉमा यहाँ पे लिखेंगे वंस प्लस टेंस प्लस हंड्रेड्स, ठीक है, और इसको यहाँ पे कर देंगे बंद। तो इसके अंदर और इसको यहाँ से कर देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या करा, इसके अंदर हमने कोई भी रैंडम 3 digit नंबर लिया, जैसे कि मैंने लिया 3637, ठीक है, तो जैसे कि 1s पे 7 है, 10s पे 3 है और 100s पे 6 है। तो हमने फिर इन तीनों का सम करा, जैसे इसका सम आ रहा है 16, ठीक है। तो हमने क्या करा, उसके लिए सबसे पहले हमने एक नंबर नाम का इंटीजर लिया, फिर हमने एक इंटीजर लिया जिसके अंदर 1s 10s और 100 लिया, फिर हमने उसको प्रिंट एफ करवाया, यानी कि हमने उसको प्रिंट करवाया, यानी कि हम यहाँ से इनपुट वैल्यू लेंगे, यहाँ से हम नंबर लेंगे कोई सा भी 3 digit का, फिर हमने वंस को नंबर्स का 10% निकाला जिससे वो टेंस में पहुँचा, हमने टेंस का 10% निकाला जिससे कि वो 100 में पहुँचा, और 100 में तो वो पहले से ही था इसीलिए हमने उसका कोई परसेंट नहीं निकाला, ठीक है। फिर हमने प्रिंट एफ करवाया और फिर हमने उसका यहाँ पे सम करवा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बिल्ड एंड रन करेंगे। तो यहाँ पर हम कोई से भी 3 digit नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ 456, तो देखो इसका आंसर आया 15, ठीक है, ये देखो इसका आंसर आया 15। ऐसी
हम लेते हैं 639, तो देखो इसका आया 18। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।